सबको मेरा नमस्कार। तो आज ट्रेड विद नीलेश का 23 सेशन था, 23वां सेशन, और आज भी हर बार की तरह हमने प्रॉफिट किया। और आज का मार्केट देखेंगे तो आज का मार्केट साइडवेज था, फिर भी मुझे मालूम था अगर एक्यूरेट एवरेजिंग की जाए और ट्रेड को फॉलो किया जाए तो हम प्रॉफिट करेंगे ही। तो आज भी हमने एक ही ट्रेड लिया था, एक ही ट्रेड को थोड़ा एवरेज करना पड़ा, लेकिन फाइनली उसका प्रॉफिट ही हुआ। तो ट्रेड का बेस क्या था, ट्रेड कैसे किया, ये सब मैं आपको अभी पहले वीडियो देखो आने वाला, उसके बाद मैं सबको आपको बेस बताऊंगा ट्रेड का बेस क्या था। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा 23 सेशन है ट्रेड विद नीलेश का, 23वां सेशन। तो जैसे एंट्री मिलेगी वैसे मैं आपको मैं एंट्री ले लूंगा, बताऊंगा मैं कहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आज मार्केट थोड़ा साइडवेज ही है, लेकिन अब ट्रेंड की तरफ साइडवेज है। तो जब मेरे को एंट्री मिलेगी तो मुझे लगता है कि 50 के 60 के नीचे आना चाहिए प्लस में, तब एंट्री लेनी चाहिए हमें। तो जैसे एंट्री मुझे मिलेगी तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, मैं कहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। तो हम एंट्री के लिए थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि अभी एंट्री लेंगे तो फिर हम लोगों को एवरेजिंग करना पड़ेगा। हाँ, हमारे पास दो बार का एवरेजिंग का पैसा है, ठीक है, लेकिन कहीं पे भी एवरेजिंग करना सही नहीं है। वहाँ पे एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, और वो टाइम पे आप बोलते हैं ट्रेडिंग के लिए पेशेंस होना चाहिए, तो आज हमारा पेशेंस टेस्ट होगा कि कहाँ पे हम ट्रेड लेने वाले। तो ट्रेड तो मेरे ख्याल से हमें अप ट्रेंड की तरफ ही जाना चाहिए, लेकिन अभी जो है हाईएस्ट पे है मार्केट अभी तक के दिन का, ये 106 से बड़ा है, तो हाईएस्ट है, तो यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ से समझो रिट्रेस आया नीचे तो फिर हमें फिर एवरेजिंग करनी पड़ेगी, फिर 10-20 पॉइंट हम लोग अगेंस्ट जाएंगे, तो ठीक नहीं है। तो जैसे ही हमारी प्रॉपर एंट्री हमें मिलेगी, प्रॉपर एंट्री कहाँ पे मिलेंगी, प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70, यहाँ पे जब मुझे लगेगा कि नहीं हाँ लेनी है। अभी प्लस 103 चल रहा है ना, तो जैसे प्लस 50 प्लस 60 70 आएगा तब मैं एंट्री कहाँ पे लेने वाला हूँ, मैं आपको डिटेक्ट करूंगा, बताऊंगा आपको कहाँ पे। ठीक है, तब तक देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है मार्केट में। अभी मैं ट्रेड लेने के लिए जा रहा हूँ और मैं 45,300 का कॉल लेने वाला हूँ, 45,300 कॉल, 45,429 मुझे दिख रहा है, 600 क्वांटिटी में लूंगा, 600 क्वांटिटी। यहाँ पे मैंने 600 क्वांटिटी पे बाय, 600 क्वांटिटी बाय की है, 45,300 20 पॉइंट का मैं टारगेट लगाऊंगा।
अभी मैं एवरेज करने जा रहा हूँ, 45,300 सी, 45,300 सी, 45,300 सी, फिर से मैं 600 क्वांटिटी लूंगा, फिर 300 300 300 से मैं 600 क्वांटिटी लूंगा। मैंने 600 क्वांटिटी अभी ले ली है फिर से, पर मेरी जो एवरेज प्राइस है अभी वो 426 पे आ चुकी है। और 414 पे आ गई एवरेज प्राइस मेरी, 414 पे। देखो सर, अभी 416 है, तो मैं अभी मेरी आधी क्वांटिटी निकाल देता हूँ, क्योंकि बाद में एवरेजिंग करने के लिए मुझे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मेरी आधी क्वांटिटी मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे एवरेजिंग करने के लिए तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए, इसके लिए मैं आधी क्वांटिटी बेच देता हूँ, आधी क्वांटिटी मैं रखूँगा, क्योंकि बाद में एवरेजिंग करने के लिए मेरे पास पैसा रहना चाहिए। तो मेरी आधी क्वांटिटी अभी है, मैंने आधी क्वांटिटी बेच दी है। अभी मैं बचा हुआ भी मेरा प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, क्वांटिटी बची हुई क्वांटिटी मैं निकाल रहा हूँ, मेरी बची हुई क्वांटिटी मैं निकाल रहा हूँ, 428 पे निकल गई मस्त। अभी बची हुई क्वांटिटी में मैं निकाल रहा हूँ, बची हुई क्वांटिटी में मैंने निकाल दी। बची हुई क्वांटिटी मैंने निकाल दी, तो जाते क्वांटिटी तुम अकेली, तो बची हुई क्वांटिटी मैंने निकाल दी। टोटल प्रॉफिट 9,000 तक हो गया मेरे को, 9,200। तो मैं एक चार्ट बॉक्स ओपन करता हूँ, आपको भी प्रॉफिट हुआ होगा तो आप चार्ट बॉक्स में लिख सकते हैं, आज का मार्केट बहुत ही साइडवेज था, फिर भी हमने अच्छी तरीके से ट्रेड किया। और तो साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, नैना 3,000, भूषण 5,600, शिवम 800 वेरी गुड, गीता 169 वेरी गुड, विनोद कुमार 1,800, राज 2,300, विशाखा 593, ऋषिकेश 301, मृणालिनी रानी 8,023, ज्ञानेश्वर 366, मनीष 245, वैभव 300, राहुल 800, अमे 2,600, श्रद्धा पाटिल 1,800 वेरी गुड, श्याम 1,166, रोहिदास 2,622, समीर 517, अविनाश 1,000 वेरी गुड, विलास 250, नितिन 75, केतन 825, वैभव 800, राहुल 3,000, श्रीधर 594, नितिन 770, अजीत 638, हर्षदा 1,870, लक्ष्मण 5,000, चंद्रशेखर 615, अरुण 3,300, प्रशांत 6,600, क्रिस्टिना 6,000, अरुण 1,400 वेरी गुड,
शीतल 1750 वेरी गुड, विकास 324, ऋतिक 1700, विकास 9000 वेरी गुड, प्रणव 275, पूजा 990, अंजलि 538, संकेत 1300 वेरी गुड, प्रमोद 3000, विनायक 1700, चेतन 3000 वेरी गुड, प्रकाशनी 1200, अमित 2000, सूरज 1871 वेरी गुड, शुभम 1800 वेरी गुड, ज्योति मोहिते 11800 वेरी गुड, धनंजय 875, श्री 3800 वेरी गुड, भरत 499, नरेश 530, अजय 438 वेरी गुड, अरुण 1500, महेश 5000, कैलाश 374, मुकेश 7500 वेरी गुड, गणेश 860, तुषार 270, योगेश 3200, सचिन 1200 वेरी गुड, स्वाति 4000 वेरी गुड, मंगेश 1428 वेरी गुड, संगीता पाटिल 10350 वेरी गुड, सुजाता 2700 वेरी गुड, शशि 11000 वेरी गुड, अजय 5000 वेरी गुड, दीप 800 वेरी गुड, प्रमोद 700, योगेश कारवा 13200 वेरी गुड, मीनाक्षी 1377 वेरी गुड, कौस्तभ 5500 वेरी गुड, राजू 315, अनिकेत 419, कैलाश 900, विक्रम 300 वेरी गुड, अभी 2700, उल्लास 5000, शेखर 915 वेरी गुड, प्रफुल 1150, मयूरेश 255 वेरी गुड, जीतू 16000 16000 वेरी गुड, उमेश 3000 वेरी गुड, विश्वनाथ 700 वेरी गुड, विष्णु 1700 वेरी गुड, निखिल 2237 वेरी गुड, श्यामदासनी 1187, निकेतन भोईर सर अगेन 20K वेरी गुड, 20K ऋषि 1100 वेरी गुड, चेतन 800 वेरी गुड, प्रजापति 1200 वेरी गुड, सुप्रिया 8300 वेरी गुड, मीनाक्षी 275, दक्षता 350, निखिल 311, मुरलीधर काले 1260, वंदना 600, राजेश 3200 वेरी गुड, योगेश गोडसे 3200 वेरी गुड, इमरान 1322 वेरी गुड। तो देखा आपने वीडियो कि किस तरीके से हमने ट्रेड किया, किस तरीके से एवरेजिंग किया, किस तरीके से प्रॉफिट किया, तो वो ट्रेड का पूरा बेस में समझाता हूँ। सबसे पहले हमने 11:11 हुए थे कुछ, तो हमने 45300 का एक कॉल लिया था, 45300 का, वो हमें मिला था 429 में, 429 में हमें मिला था, और हमने कितनी 600 क्वांटिटी हमने बाय की थी, बराबर है। लेकिन बहुत टाइम होने के बाद, एक घंटा होने के बाद भी वो उधर ही घूम रहा था, 10 पॉइंट आगे 10 पॉइंट पीछे, और हमने टारगेट लगाया था कि 15-20 पॉइंट मिल जाए तो भी हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन एक डेढ़ घंटे के बाद वो थोड़ा हमारे अगेंस्ट गया, 429 का प्रीमियम 380-390 दिखने लगा, तो 30 पॉइंट हमारे अगेंस्ट था, तो 30 पॉइंट हमारे अगेंस्ट था, तो हमने एवरेजिंग की। एवरेजिंग करके हमारी 414 की हमारी एवरेज प्राइस आई, और क्वांटिटी हमने डबल कर दी थी हमारी 1200 की। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग एवरेजिंग करते हैं और ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ट्रेंड तो वही था बाय वाला, कॉल का बाय वाला, यानी ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड था, बराबर है। और इंडियन मार्केट ध्यान में रखिए कि इंडियन मार्केट अप ट्रेंड में ही चल रहा है, तो ऐसा करिए कि चांस ढूंढिए कि कॉल में किस तरीके से चांस मिले। ऐसा नहीं कि पुट नहीं होगा, पुट भी होगा, लेकिन ज़्यादा करके चांसेस अगर देखा जाए तो 70% चांसेस कॉल के होते हैं, 30% पुट के होते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे तरफ से जो मैंने रिसर्च किया उस तरीके से। पुट में भी अच्छा खासा पैसा मिलता है, लेकिन वो हमें ट्रेंड पहचानना पड़ता है, और ट्रेंड वो जैसे कि थर्सडे का था, तो वैसे कभी ट्रेंड आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो फिर से हम लोग आते हैं कि हमारे ट्रेड की तरफ, एक ही ट्रेड लिया था हमने, एवरेजिंग किया, फिर एवरेजिंग करके 414 की हमारी एवरेज प्राइस आई, क्वांटिटी 1200 टी, और फुल एग्जिट हमने 427-428 में किया, हम लोग को 10-11 पॉइंट मिले, मुझे कुछ 9000 का प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने 13000 भी प्रॉफिट किया, 16000 भी प्रॉफिट किया, 15000 भी किया, 12000 भी किया, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है पहले से, और जो लोग प्रैक्टिस के लिए एक एक दो दो लॉट कर रहे थे उन्होंने 500 रुपये के ऊपर प्रॉफिट किया, कि 300, 500, 700 जो स्टूडेंट के लिए हमने ट्रेड विद नीलेश चालू किया। आपको तो मालूम है ट्रेड विद नीलेश हमने क्यों चालू किया था, कि जिन लोगों को प्रैक्टिस मिलता नहीं है लाइव ट्रेडिंग में, जिसको प्रैक्टिस मिलता नहीं, उनके लिए ट्रेड विद नीलेश है। तो हमारे पास जो भी लोग एडमिशन लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि एडमिशन हो गया सीख गए तो अपना आप खुद करो, क्योंकि खुद के खुद कोई कर नहीं सकता, पहले 2 महीना 3 महीना 6 महीना तो उनको प्रैक्टिस देनी पड़ती ही है। तो ट्रेड विद नीलेश में एक एक लॉट से, दो दो लॉट से हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं हमारे स्टूडेंट से, जो भी बेसिक लेवल के स्टूडेंट हैं, नए नए स्टूडेंट हैं उनके, तो उन्होंने भी अच्छा काम किया, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग एक एक दो दो लॉट से अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही आप काम करते रहो,
तो जैसे और स्टूडेंट 10,000, 12,000, 15,000 कमाते हैं, वैसे आप भी एक दिन कमाएंगे। पहले धीरे धीरे स्लो स्टार्ट करने हैं, जैसे ही स्लो स्टार्ट करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं आपको बताऊंगा कब क्या करना है। तो फिर हम लोग आगे जब नेक्स्ट ट्रेड विद नीलेश होगा तब मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।